हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है हमारे करंट करंट वे शो में। माय नेम इज सुमित मिश्रा, आई एम जी एजुकेटर। और गाइस, हम बात करेंगे आज अपने सेशन की। फ्राइडे आज है और खूब सारी न्यूज हमारे पास आज है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल उठ गए होंगे, फ्रेश हैं, एकदम नहा धो चुके हैं और चाय कॉफी के साथ हमारा करंट अफेयर्स एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ, ये सोचना मेरा कितना सही होता है पता नहीं, है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन गाइस। तो आपको हमारे कोर्सेज के बारे में पता है। राइट नाउ हमारे पास दो कोर्सेज हैं आपके लिए, और ये जो कोर्सेज हमारे पास हैं उस कोर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा, मैं देता हूँ आपको गाइस। एक हमारा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स चल रहा है जिसकी प्राइस 1499 है। ये जो कोर्स है इसमें आपको हम प्रॉपर दो क्वांट की, दो रीजनिंग की, एक इंग्लिश की और एक जीए की क्लास दे रहे हैं। मतलब प्रॉपर सिक्स कोर्सेज आपको इस 1499 में मिल रहा है। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है और ये कोर्स आपका लाइफ टाइम वैलिड है। इसके लिए हमने सीक्रेट टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, जहां पर हमने केवल उन्हीं बच्चों को ऐड किया जिन्होंने ये कोर्स लिया है, और हमने ऑलरेडी कुछ बैंक एम्प्लॉय को यहाँ पे हायर किए हैं ताकि आपको मेंटोरशिप दे दे रहे हैं। इसके अलावा गाइज, अगर आपको कोई इंडिविजुअल कोर्स लेना है, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीए का, लाइव बैच, ये लाइव बैच है, ये लाइव बैच आप 499 में ले सकते हैं। हाँ, अगर आप 1499 में एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लेते हैं तो आपके लिए ये इंडिविजुअल बैच क्या है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया डील है, इस डील को जाने ना दे और इसमें एडमिशन आप लेने की कृपा करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चले गाइस, तो ये तो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब आगे बढ़ेंगे और हम हमेशा की तरह वार्म अप करेंगे। मेरे क्वेश्चंस, आपके आंसर। पहला क्वेश्चन मेरा आपके सामने, आपसे पूछा गया कि किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने पंचवटी योजना शुरू किया है जिसमें 100 पार्क्स को डेवलप किया जाएगा इन ग्रामीण एरियाज फॉर द एल्डरली पर्संस। आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और हमें इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा? नहीं अक्षय, इंडिविजुअल कोर्स लाइफ टाइम नहीं है बेटा। आंसर, वो जो एक्सप्रेस वीडियो कोर्स है वो हमारा लाइफ टाइम है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय हैं, तो ये भी याद कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। ये क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 200 कंट्रीज ऑन कोविड-19 सेफ्टी असेसमेंट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट कंडक्टेड बाई द डीप नॉलेज ग्रुप। तो डीप नॉलेज ग्रुप द्वारा किया गया एक सर्वे जिसके हिसाब से बताया गया है कि कोविड-19 सुरक्षा मूल्यांकन में 200 देशों के बीच भारत की रैंक क्या है। सबसे खराब रैंक पर साउथ सूडान है, सबसे डेंजरस कंट्री है साउथ सूडान, ठीक। सबसे सेफेस कंट्री है स्विट्जरलैंड, ये भी याद कर लीजिएगा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। दूसरे नंबर पे जर्मनी है, सबसे सेफ कंट्री में पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे जर्मनी, और तीसरे पे आपका इसराइल है, इसराइल है, ठीक है। इंडिया की कौन सी रैंक है ये आपसे पूछी गई है, तो इंडिया की 56 रैंक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी, सबसे सेफ स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे जर्मनी, थर्ड पे इजराइल, सबसे डेंजरस कंट्री साउथ सूडान, ठीक। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द मास्टर कार्ड टू लॉन्च कार्डलेस एटीएम पावर्ड बाई मास्टर कार्ड इन इंडिया। तो ये भी मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, ये मुंबई की कंपनी है जिसने मास्टर कार्ड से एग्रीमेंट किया है। वी हैव फाइव ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, ये आपको बताना है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ईएम पेज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस एंड रीच ओशियन डीपेस्ट पॉइंट। तो गाइस, कल हमने आपको चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि चाइना ने एक अनमैंड अपना जो वो है सबमरीन है वो भेजा था मरीना ट्रेंच में, लेकिन साथ ही साथ यूएस की एक महिला ने भी कमाल कर दिया। ये पहली फीमेल बन गई, पहली व्यक्ति बन गई है, मतलब कहा जाए तो मतलब कि वॉक, देखिए, अंतरिक्ष में चलने और महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली व्यक्ति बनी है। तो इन्होंने जो डाइव की है, वो डाइव की है इन्होंने कितनी, इन्होंने डाइव की है 10925 मीटर की मरियाना ट्रेंच में। इनका नाम क्या है? इनका नाम है, बिल्कुल सही, इनका नाम है कैथी सुलीवन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये सब आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द गार्गो इंटरनेशनल। हालांकि ये जो ब्रांड एम्बेसडर है ये जनवरी में ही बन गए थे, ये कोई आज की बात नहीं है, बस गार्गो इंटरनेशनल ने अभी इनको अप्रेज किया है हर जगह, क्योंकि इन्होंने मजदूरों की बड़ी हेल्प की।
तो ये कौन है, ये कौन है, ये है सोनू सूद, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गागो इंटरनेशनल बेसिकली एक दिल्ली बेस्ड लुब्रिकेंट कंपनी है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मिलिट्री नेम्ड तत्मदा हैज बीन रिटर्न टू फेसबुक टू प्रोवाइड एक्यूरेट न्यूज, ये भी हमने कल पढ़ा था। आंसर आपको देना, आंसर आपको देना है, वॉट इज द आंसर। वी हैव फाइव ऑप्शन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर म्यांमार हो जाएगा। अगर म्यांमार की करेंसी मैं आपसे पूछूं तो क्या है, म्यांमार की करेंसी क्या है, म्यांमार की कैपिटल क्या है, ये दोनों मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, करेंसी एंड कैपिटल म्यांमार की, ये भी आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मर्सर 2019 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, विच इंडियन सिटी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया फॉर एक्सपेक्ट्रिएट्स, तो सबसे महंगा शहर कौन सा है भारत में, ये आपसे पूछा गया, तो ये भी आपको पता है। सबसे महंगे शहर की बात करेंगे तो वो कौन सा है, वो है आपका मुंबई। हालांकि ग्लोबल लेवल पे मुंबई 60वें नंबर पे है और एशिया लेवल पे मुंबई 19th नंबर पे। ठीक है, तो ये हमको पता है। नगलट्रम कौन बोल रहा है, रॉक माइकल बहुत मार खाओगे नगलट्रम बेटा, नगलट्रम है जी म्यांमार की, भूटान की फिर क्या है, क्याथ, क्या करेंसी है। और कैपिटल की बात करें, निपेदा कैपिटल है, ये भी याद कर लीजिएगा सारी चीजें भाई लोग। चलो नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ने अगर बात करें तो मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग की पूरे वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है, वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हांगकांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नवा क्वेश्चन, The government has mandated all the BS6 compliant vehicle to display a strip of the green color of 1 cm width. ये हमको बता है। बस आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये कब से इफेक्टिव हो जाएगा ये। तो गाइज हम लोग को ये पता है, मैंने पढ़ाया है। अब देखो हमने अगर ठीक से पढ़ा होगा तो हमें डेट याद होगी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कितने महानुभाव लोग दे पाते हैं। वॉट इज द आंसर, और आंसर की बात कर ले तो आंसर इज 1 अक्टूबर 2020, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 से ये नियम लागू भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द फर्स्ट एलियंस बैंक। गाइस फर्स्ट एलियंस बैंक ना जाम्बिया, जाम्बिया देश है ना, जाम्बिया, जाम्बिया का बैंक है और ये क्वेश्चन जाम्बिया का है। तो किस इंडियन कंपनी ने जाम्बिया के फर्स्ट एलियंस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है, वहां पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो होती है ना, पॉइंट ऑफ सेल मशीन जहां पे लोग स्वैप करते हैं, तो उसके लिए ये मतलब ये जो कंपनी है और ये जो बैंक है जाम्बिया में एग्रीमेंट किया है। आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपको देना है। आंसर इज, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये तो अभी शुरुआत ही हुई है तो मैं लगा दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, जो भी ये दे रहे हैं मैं देख नहीं पा रहा हूँ हालांकि आंसर। तो आइए आपको दिखा देते हैं सीधे, ठीक है बस एक मिनट भैया। हाँ तो आंसर इज ई पैसा, ई पैसा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका, देख लीजिए यहाँ पर। नेम द मोबाइल एप्लीकेशन विच वॉज डेवलप्ड बाई द IIT गुवाहाटी स्टूडेंट फॉर सीमलेस एंड कॉन्टेक्टलेस एयर ट्रेवल। तो ये भी कल हमने पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का नाम क्या है, हमारे सामने पांच ऑप्शन यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहे हैं और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्लाइजी, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अनन्या नाम का एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिस इन्फेक्टेंट स्प्रे लॉन्च किया है जो कि वाटर बेस्ड है, वाटर बेस्ड है। ये जो DIAT है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है ये आपसे पूछा गया। DIAT का हेडक्वार्टर कहां पे है गाइस, तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आज हमको 1000 लाइक चाहिए, क्या ये हो जाएगा, मैं रोज बोलता हूं आप लोगों से, रोज नहीं हो पाता है लेकिन कभी ना कभी तो होगा, जिद है तो जिद है, है ना। और जिस दिन 1000 लाइक हो जाएगा कम से कम मुझसे ही मोटिवेशन ले लेना कि सर ने हार नहीं मानी, है ना, कहते रह गए हमेशा रोज रोज रोज, कभी कभी विश्राम बनना पड़ता है। पुणे ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी विच हैज पार्टनर विद द UNDP SCCB फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट नेम्ड पृथ्वी। तो गाइज ये हमने पढ़ा हुआ है ना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, क्या इसका आंसर होगा, वी हैव फाइव ऑप्शन। और आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, आंसर इज रेसिकाल, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रैमन मैक्सेसे अवार्ड जो अभी कैंसिल हो गया इस साल का फॉर द कोरोना पैनडेमिक, तो रैमन मैक्सेसे जो अवार्ड है ये कौन से देश से मिलता है आपको, मतलब एक देश के प्रेसिडेंट थे मिस्टर रैमन मैक्सेसे, इनका निधन हो गया था, तो वो कौन सा देश है, वो कौन सा देश है जो ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है हर साल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा। तमन्ना TCS बोल रही हो,
आंसर इज फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी. फिलीपींस ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी आपने देखा गाइस कि राजस्थान से दो स्पाई पकड़े गए हैं जो कि इंडिया डिफेंस की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहे थे. तो इन लोग को पकड़ने के लिए हमारी आर्मी ने एक एंटी एस्पियोनेज ऑपरेशन शुरू किया था. और इसका नाम क्या है ये आपको बताना है. तो इसका नाम बताइए. अच्छा क्वेश्चन है ये. क्या इसका आंसर होगा. वी हैव फाइव ऑप्शन और इस फाइव ऑप्शन में आपको सही आंसर चूज करना. राइट आंसर क्या है. राइट आंसर ऑपरेशन डेजर्ट चेस है, ऑप्शन नंबर बी. ऑपरेशन डेजर्ट चेस ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. अब हम आगे बढ़ के अपने 16 क्वेश्चन पे चलेंगे. आपके सामने देख लीजिए यहाँ पे. रिसेंटली कस्टम ड्यूटी हाइक्ड ऑन बैम्बू इंपोर्ट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10% टू हाउ मच परसेंट. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको ये पढ़ाया गया, ये भी आपको पढ़ाया गया है. कुछ लोग कमेंट को डिलीट भी कर रहे हैं. मेरी आंखें पूरी हैं आप लोग के ऊपर. अर्पण बैनर्जी आज नहीं आए हैं क्या. अर्पण बैनर्जी, दीपनविता और तानिया, ये लोग के बीच में कल कंपटीशन चल रहा था मेरे ग्रुप पर, है ना. मैं देख रहा हूं, मैं बिल्कुल बहुत एकदम निगाहों से देख रहा हूं अपने. ठीक है, आंसर इज 25%. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. तो 25% हमारा सही आंसर है. तीनों आज नहीं आया. करारा जवाब मिलेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस. और अब क्या हम बात करेंगे. अब हम बात करेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स में. अब डेली करंट अफेयर्स की हम लोग बात करने वाले हैं जो न्यूज है. लेकिन उसके पहले स्टार्टिंग करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ. भले शायद मोटिवेशनल कोट के कुछ पॉइंट आपको छुप रहे होंगे मेरे से, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं ये मोटिवेशनल कोट में कहा गया है. अच्छा अच्छा ठीक है. दीपनविता आई है. ठीक है. अर्पण बनर्जी नहीं आए हैं. ठीक है. डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन द सेकेंड मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट लक. अब यहाँ पे फर्स्ट विक्ट्री का मतलब क्या है वो हमको समझना पड़ेगा गाइज. फर्स्ट विक्ट्री का मतलब हो सकता हो कि हम स्पीड टेस्ट देते हैं और हमने टॉप 100 में जगह बना ली. हो सकता है हमने कोई स्कॉलरशिप जीत ली. हो सकता हो कि हम अपने क्लास में टेस्ट में हमेशा फर्स्ट आते हैं, जो भी हमारे कोचिंग या जो भी हमारे ऑनलाइन बैच जो भी है. तो कहने का मतलब गाइस क्या है ना कि मतलब हमेशा ऐसा होता है कि पहली विक्ट्री, मतलब अगर हमने कोई पहला, जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्री क्वालिफाई कर लिया. अब हमने प्री क्वालिफाई कर लिया तो हम इतने खुश हो गए, हमें लग रहा है कि यार हमने ये जग जीत लिया. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारे ही साथ एक बच्चा है आशीष झा. हालांकि उसका सिलेक्शन हो गया. मुझे याद है लास्ट ईयर जब उसके मेंस के रिजल्ट आए थे तो उसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी थी, बट वो घूमने गया था देहरादून. कहाँ घूमने चला गया था. तो हालांकि मैंने उसे बहुत डांटा था. तो कहने का मतलब कि जब तक आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच ना जाएं, आप अपने कंफर्टेबल जोन में वापस ना आए. ठीक है, ये बात मेरी समझिएगा. क्योंकि गाइस होता क्या है ना, मैं आपको इसे अपने एग्जांपल से बताऊं. जब मैं तैयारी करता था 2014 की बात है, तो एक्चुअली दैट टाइम पर IBPS क्लैरिकल के एग्जाम जो दिसंबर में होते थे, आजकल जनवरी में शिफ्ट होते हैं. तो मुझे अच्छे से याद है अक्टूबर तक मैंने पढ़ाई की थी. और नवंबर में क्या हुआ था, नवंबर में शादियां वादियां पढ़ना शुरू हुई थी और मैं कुछ पढ़ाई नहीं था नवंबर में. और जब मैं एग्जाम में गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इस एग्जाम में कम से कम 20 मार्क्स और ला सकता था. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि प्रैक्टिस के बिना मैं कर नहीं पाया. हालांकि आई क्वालिफाइड IBPS क्लर्क, बट मेरे मार्क्स कुछ और हो सकते थे. या हो सकता है कि बेटा एक दो नंबर ऐसा मुझे कम मिल जाता कि मेरा सिलेक्शन ही ना होता. तो मेरी बात समझिए, आपको अपना डिटर्मिनेशन, अपनी मेहनत सब कुछ स्टोर करके रखनी है आपके फाइनल डेस्टिनेशन के लिए. और क्या हुआ, आप अगर सेलेक्ट भी हो गए तो क्या कहानी खत्म हो गई. आपको इंटरनल प्रमोशनल एग्जाम्स देने हैं, आपको RBI ग्रेड बी के एग्जाम्स देने हैं, आपको UPSC क्वालिफाई करना है. सोचो, बड़ा सोचो, इस दुनिया में आए हो ना तो कुछ डेंट दे के जाओ. वरना इस इंडिया में कई ऐसे हजारों लोग पड़े हैं जो क्लर्क हैं, जो PO हैं, जो रेलवे में हैं, कोई पूछने वाला नहीं है. डेंट मारो गाइस, लोग जाने. हाँ, ये लड़का है, ये लड़की है जो मचा के आई है ना, ये चीज होनी चाहिए. चलिए तो शुरू करते हैं अपना सेशन गाइस और स्टार्ट करते हैं अपने न्यूज की. और हमेशा की तरह स्टार्टिंग करेंगे रिपोर्ट और इंडिसेस की. और रिपोर्ट और इंडिसेस में हम बात करेंगे अमेजन के जेफ बेजोस की, जो कि फिर से वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं. तो ये रिपोर्ट किसने निकाली है, ये इंडेक्स किसने निकाला है, ये इंडेक्स ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने निकाला है. और अंबानी की बात करें, मुकेश अंबानी 12वें पोजीशन पे पहुंच गए हैं, क्योंकि आपने देखा कि काफी इन्वेस्टमेंट इनके रिलायंस जियो में हुआ था. आइए पूरी न्यूज यहां पर देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, अमेजन CEO जेफ बेजोस हैज अमर्ज्ड एज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड विद अ टोटल नेटवर्थ ऑफ द $150 बिलियन. तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर की बात करें, जेफ बेजोस नंबर एक पर पहुंच गए हैं, जिनकी टोटल संपत्ति $150 बिलियन. सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर बिल गेट्स पहुंचे हैं, जिनकी टोटल संपत्ति $115 बिलियन है.
उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो बर्नाल्ड अर्नोल्ड, मार्क जुकरबर्ग एंड वॉरेन बफेट, ये लोग क्रमशः थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे हैं। हालांकि आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ याद करने की जरूरत नहीं, आप केवल पहला और दूसरा ये याद कर लीजिए। इसके अलावा मुकेश अंबानी की बात कर लीजिए गाइस, आपको याद होगा LIC असिस्टेंट लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर नहीं मतलब इस साल पूछा गया था कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ क्या है, तो इस क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। मुकेश अंबानी 12वें नंबर के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं और इनकी टोटल संपत्ति 57.2 बिलियन की है, तो ये भी पॉइंट आपको देखना है। तो इस न्यूज में आपको क्या देखना है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की बात करें, टॉप पे कौन है, उसकी संपत्ति क्या है, सेकंड पे कौन है, उसकी संपत्ति क्या है, और मुकेश अंबानी किस रैंक पर है और उनकी संपत्ति क्या है, इतना याद कर लीजिए, इतना काफी है, इतना काफी रहेगा, ठीक है। तो ये याद रहेगा हमें गाइस, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए आपको हम न्यूज नंबर टू पे ले चलते हैं, ये भी आपका रिपोर्ट और इंडिसेस और रैंकिंग पर ही न्यूज है। और एक बड़ी अच्छी खबर आई है, इंडिया ने 29% इंक्रीज किया है एशियाटिक लॉयन के पॉपुलेशन में। गाइस आपको बताया कि पूरे एशिया में जो एशियाई शेर है वो केवल और केवल भारत में मिलते हैं, और भारत में गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, वहीं पर मिलते हैं। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंजर्वेशन प्लान है उनके हिसाब से हमने पिछले कितने सालों में, हम वो मैं आपको दिखा दूंगा, में एशियाई लॉयन की जनसंख्या 29% इंक्रीज की है। आइए पूरी न्यूज देखिए, देखिए तो इंडिया में जो गिर नेशनल पार्क है उसमें एशियाटिक लॉयन की पॉपुलेशन 29% इंक्रीज हुई है गाइस, ठीक। द काउंट ऑफ एशियाटिक लॉयन हैज इंक्रीज फ्रॉम 523 इन 2015 टू 674 इन 2020, यानी कि पिछले 5 सालों का डेटा आपको हम दे रहे हैं, मतलब 2015 से लेके 2020 तक की बात करें तो पहले जो संख्या थी वो 523 थी और अभी संख्या 674 हो गई है, मतलब कि 29% का ग्रोथ किया है लॉयंस के पॉपुलेशन। तो भाई शेरों के देश में शेर ही बढ़ेंगे ना, है ना, तो ये भी पॉइंट हमने आपको बता दिया, ठीक, अच्छा है, अच्छा है, याद कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब देखिए तो भारत में एशियाटिक लायन जो है वो गिर सेंचुरीज में, गिर नेशनल पार्क आप बोले ज्यादा अच्छा है, में पाए जाते हैं, याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब जिस एरिया में वो रहते हैं, मतलब जो गिर में नेशनल पार्क में इनको एरिया अलॉट किया गया है, तो पिछले 5 सालों में उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। तो 2015 में इन शेरों का एरिया 22,000 किलोमीटर में ही था, मतलब ये शेर 22,000 किलोमीटर में रहते थे, लेकिन अभी इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है तो इन्होंने अपना एरिया भी बढ़ाया है और अब इनकी पॉपुलेशन 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में पाई गई है, तो ये भी एक अच्छी बात मानी जाती है क्योंकि जितना पास रहेंगे उतना ज्यादा इनके बीच में लड़ाइयां भी होती हैं। तो आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफी देखा होगा डिस्कवरी पर बचपन में, है ना, तो ये भी पॉइंट हमने आपको बता दिया। चलिए अच्छी बात है, आप लोग आंसर भी दे रहे हो बहुत अच्छे से, ठीक है, बढ़िया बढ़िया गाइस, आगे बढ़ते। तो ये पॉइंट हो गया, तो रिपोर्ट इंडिसेस में हमने दूसरे न्यूज की बात भी कर ली आपसे, अब तीसरे न्यूज की बात करते हैं। और तीसरी न्यूज है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 और ये 70th एडिशन है, 17वां एडिशन है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के 17th एडिशन की हम बात करने वाले हैं, किसने किसने कौन सी रैंक बनाई है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पिछले साल एग्जाम दिए हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा इस कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन यहां से, इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, ये मर्सर वाला जो मैंने कल पढ़ाया था उससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, QS रैंकिंग की क्वेश्चन हर साल आते हैं, मतलब यहीं से क्वेश्चन आने ही आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें QS की, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें, तो ओनली 8 इंडियन इंस्टीट्यूट ने टॉप 500 में जगह बनाई है। तो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज की बात करें तो केवल 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज को जगह मिली है, 8, ठीक है। और देख लीजिए ये पूरा मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, तो सबसे नंबर पे MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले नंबर पे है, दूसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक। तो ये तो 3 टॉप है, उसके अलावा गाइस अगर बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे, ये 172nd नंबर पे है, और ISC बेंगलुरु 185th पे है, और 193rd पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली है इंडिया, तो ये 193rd पे। यानी गाइस अगर ध्यान से देखें आप, तो हम टॉप 200 की बात करें तो टॉप 200 में भारत की जो यूनिवर्सिटी है वो कितनी है, वो 3 ही है, और टॉप 500 की बात करें तो टॉप 500 में हमारी 8 यूनिवर्सिटीज हैं। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में टॉप 200 पूछे, तो टॉप 200 में 3 है, आप देख लो यहां पर, तो एक है IIT बॉम्बे, एक है ISC बेंगलुरु और एक है आपका IIT दिल्ली, तो इसको भी इस तरह से याद कर लीजिएगा, टॉप 200 में ओनली 3 एंड टॉप 500 में ओनली 8। तो अगर टॉप की बात करें, इंडिया में टॉप किसने किया है, तो इंडिया में IIT बॉम्बे ने टॉप किया है, दूसरे पे ISC बेंगलुरु है और तीसरे पे IIT दिल्ली है।
हाँ ग्लोबल लेवल पे इनकी बहुत बुरी हालत आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है, तो ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आपसे हम रिपोर्ट और इंडिसेस में न्यूज नंबर 5 की, और न्यूज नंबर 5 में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की। ये रैंकिंग 2015 में हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ताकि ग्लोबल लेवल पे हमारे जो इंस्टीट्यूट है उन्हें वो कॉम्पिटिशन दे पाए दूसरे अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को, ठीक है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। ठीक, आइए इसके बारे में बात करते हैं आपसे। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क निकाला है, और इस रैंकिंग के हिसाब से एक बात की जाए तो आईआईटी मद्रास ने हमारे देश में टॉप किया है और दूसरे नंबर पे आईआईएससी बेंगलुरु है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कब से स्टार्ट हुआ है, 2015 में यह स्टार्ट हुआ है। पहली रैंकिंग 2016 में आई थी, मतलब 2015 में इसका अनाउंसमेंट हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री ने कर दिया था। पहली रैंकिंग 2016 में आई थी जिसमें हम लोग अपने इंडियन यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देते हैं ताकि ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन में ये आ सके, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास पहले पे है बेटा और आईएससी बेंगलुरु दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली है, ठीक। तो आपको ये बताया गया है कि ये जो स्कीम है, ये जो रैंकिंग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने 2015 में लॉन्च किया था, लेकिन पहली रैंकिंग 2016 में आई थी, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो ये भी हमने आपको बता दिया है गाइस, ठीक है। अच्छी, आज का करंट अफेयर्स बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे रिपोर्ट इंडिसेस जो आपको पढ़ाए गए हैं वो सारे एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए गाइस अब आपको बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमी पर लेके चलते हैं। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की ग्रोथ रेट को फॉर द 2020-21 -5% बोला था। उसके अलावा कल की बात करें तो कल ही स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत का जो रेटिंग है सोवरेन रेटिंग वो BBB- पे रखा हुआ है, मतलब कि मेंटेन किया हुआ है। स्टैंडर्ड एंड पुअर कहना ये है कि जैसे ही ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया काफी तेजी से ग्रो करेगा। तो आइए आपको पूरी न्यूज यहां पर दिखाते हैं। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया की सॉवरेन रेटिंग को BBB- पे रखा हुआ है अलॉन्ग विद द स्टेबल आउटलुक। स्टेबल आउटलुक का मतलब भारत का मार्केट स्टेबल बताया गया, स्थायी बताया गया। तो ना तो ये माइनस में है ना तो ये पॉजिटिव है, ये स्टेबल आउटलुक रखा गया है। ये क्यों बोला गया है कि S&P ने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया विल स्टेबलाइज एंड बिगिन टू इंप्रूव फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड, और काफी अच्छी ग्रोथ रेट रहेगी। तो आपको पता है ये नेक्स्ट ईयर में +9% बोला गया। तो ठीक है, आपको बस याद रखना है स्टैंडर्ड एंड पुअर, इंडिया की सोवरेन रेटिंग BBB- एंड स्टेबल आउटलुक, ये तीन, ये पहली लाइन, ये इतना आप याद कर लेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा भी तो यहीं से बनेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बिजनेस फाइनेंस में नेक्स्ट नंबर न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। तो अभी फिच की बात करें तो फिच ने बोला है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें उसमें कितनी रहेगी, उसमें 9.5% रहेगी। फिच ने बोला है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, अगले वित्तीय वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट माइनस भारत प्लस 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 9.5% रहेगी, ठीक है। देख लीजिए इतना माइनस हो गया ना कि हैबिट पड़ गई है। तो इंडियन इकोनॉमी की बात करें, फिच ने बोला है कि भारत की ग्रोथ रेट 9.5% रहेगी नेक्स्ट फिस्कल में, ये फिच का दावा है। और फिच ने भारत की ग्रोथ रेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2020-21 के लिए -5% बोला है, मतलब 2020-21 के लिए कितना, -5%, और 2021-22 के लिए जो आने वाला है उसके लिए 9.5%। तो ये आपको लर्न करना है, ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस में न्यूज नंबर 3 की। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने लोकल टू वोकल का नारा दिया, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, और जिस तरह से चाइना से हमारा टेंशन विवाद चल रहा है सीमा पर, उसको देखते हुए हमारी ट्रेडर बॉडी ने क्या किया है, इन्होंने बॉयकॉट किया है चाइनीज गुड का एक कैंपेन लॉन्च करके। अब ये कैंपेन क्या है, क्या पूरा मसला है, बने रहे मेरे साथ देखिए ताकि पूरी न्यूज क्लियर आपको हो पाए। देखिए तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर, तो ऑल इंडिया ट्रेडर्स का समूह, क्या नाम है, द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर, इन्होंने कैंपेन चलाया और कैंपेन का नाम क्या है, इंडियन गुड आवर प्राइड, भारतीय सम्मान हमारा गर्व, इंडियन गुड आवर प्राइड। इसका ये ऑब्जेक्टिव है, इस कैंपेन का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा दिसंबर 2021 आएगा वहां से चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट को इतना कम कर देना है कि हम केवल दिसंबर 2021 तक ₹1,00,000 करोड़ का ही इंपोर्ट करें चाइना से, मतलब $13 बिलियन का। आपको बताएं हम पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना इंपोर्ट करते हैं चाइना से,
मैं आपको न्यूज दिखाता हूं, पहले समझिए, इंडियन गुड आवर प्राइड ये कैंपेन चलाया है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें चाइना से इंपोर्ट कम करना है, और कितना कम करना है, 2021 तक इंपोर्ट कम करते 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 हमारा इंपोर्ट केवल 1 लाख करोड़ रुपए तक का होना चाहिए या फिर $13 बिलियन का होना चाहिए। ये टारगेट है, ये टारगेट है ऑल द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का। तो एक पॉइंट हमने आपको ये बताया, अब देखिए मेरी बात समझिएगा, तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर ने 3000 आइटम की लिस्ट बनाई है जो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, तो इसे हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड से। तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर ने 3000 लिस्ट बनाई है जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो हम आराम से इंडिया के प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। और इंडिया की बात करें तो इंडिया हर साल चाइना से $70 बिलियन का इंपोर्ट करता है, $70 बिलियन का। तो इस बार दिसंबर तक कितना करना है हमको, ये टारगेट 13 बिलियन तक कम कर देना है। अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा, तो ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए गाइस, न्यूज इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हुए आपको डिफेंस न्यूज पे लेके चलते हैं, और यहां पर हम बात करेंगे आपसे इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेंगे और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करेंगे। तो GRSE कोलकाता, इन्होंने ICGS कनक लता बरुआ को इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंप दिया है। आइए पूरी न्यूज आपको दिखा दें। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता, इन्होंने ICGS कनक लता बरुआ, ये एक वेसल है, इस वेसल को, ये फिफ्थ और लास्ट बोट है इसको, मतलब ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, इसको इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंप दिया है। तो फास्ट पेट्रोल वेसल, वेसल का मतलब क्या होता है गाइस, जो हमारे मैरिटाइम के लिए पेट्रोलिंग करती है ना, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप्स होते हैं उन्हें वेसल बोलते हैं। तो फास्ट पेट्रोल वेसल FPV, तो FPV की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने गार्डन रिच शिप बिल्डर से 5 बोट की मांग की थी, तो ये 5वीं है, मतलब 4 दे जा चुकी है, ये 5वीं है। इसका नाम क्या है, ICGS कनक लता बरुआ, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कनक लता बरुआ 5वां था, लास्ट था, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा। तो एक पॉइंट हमने आपको ये बता दिया, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अभी हम स्टेट न्यूज की बात करेंगे, और स्टेट न्यूज में हम हरियाणा की बात करेंगे। तो हरियाणा ने 1000 वाटर रिचार्ज बोर्स टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द अटल भूजल योजना, अंडर द अटल भूजल योजना। तो हरियाणा अपने पूरे स्टेट में 1000 वाटर रिचार्ज बोरिंग करवाएगा। बोरिंग का मतलब समझते हैं ना आप लोग, हमारे घरों में बोरिंग होती है ना, जिससे पानी निकलता है, मशीन लगी होती है, 24 आवर आप मशीन ऑन करो पानी आना शुरू हो जाएगा, बोर है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि वो 1000 वाटर रिचार्ज बोर पूरे स्टेट में लगाएंगे, और ये सारे बोर वहां पर होंगे जहां पर पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। बेसिकली किसानों को हेल्प की जाएगी, मतलब इस बोरिंग का जो टोटल कॉस्ट होगा 100% कॉस्ट में से 90% कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा बियर करेगा, और 10% केवल किसानों को ये बियर करना पड़ेगा। अटल भूजल योजना के अंतर्गत ये चीज की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं। तो ये जो टोटल कॉस्ट है उसका 90% हरियाणा गवर्नमेंट बेयर करेगी, एंड 10% जो है वहां के फार्मर को करना पड़ेगा। यानी आपको याद रखना है कि हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा में ऐसे पार्ट जहां पर बारिश वारिश कम होती है, जहां पर पानी वानी कम है, वहां पर 1000 बोरिंग करवाएगी। इस बोरिंग में जो भी कॉस्ट आएगी उसका 90% स्टेट गवर्नमेंट करेगी, एंड 10% फार्मर्स को बेयर करना पड़ेगा। ये भी न्यूज हमने आपको दे दी अंडर द अटल भूजल योजना। यहां पे मेंशन नहीं था बट आप लोग याद रखिए ये अटल भूजल योजना के अंतर्गत हुआ है। हाँ सीन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं गाइस, महाराष्ट्र कैबिनेट की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव टू रीनेम इट्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। तो महाराष्ट्र में जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री थी, अभी उसका नाम चेंज करके एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री कर दिया गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेट ने ऐसा किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है, क्योंकि महाराष्ट्र के पास क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री अपनी नहीं थी, यूपी के पास है बल्कि। तो अभी इनके पास क्लाइमेट चेंज पर भी अब ये काम कर सकते हैं। तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, महाराष्ट्र कैबिनेट जिसको चेयरमैनशिप की यहां के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने, तो इन्होंने एक प्रपोजल दे दिया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, इसका नाम चेंज करके एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन हमने आपको ये भी दे दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, कर्नाटक बात करते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब सबके लिए नहीं, केवल क्लास 5वीं तक।
क्लास फिफ्थ तक। आइए पूरी न्यूज आपको दिखाते हैं। तो कर्नाटका गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन क्लासेस फॉर द स्टूडेंट अप टू फिफ्थ स्टैंडर्ड इन द स्टेट, बिकॉज बच्चों के स्वास्थ्य और आंखों पे खतरा होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक। और साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं वो इसकी फीस बढ़ा रहे थे। तो देखिए पूरी न्यूज। तो महाराष्ट्र के जो सॉरी कर्नाटका के जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर हैं एस सुरेश जी, इन्होंने बोला है कि क्लास फाइव तक ऑनलाइन क्लासेस को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने यह भी बोला है कि जो स्कूल है वो अपकमिंग जो एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है उसमें फीस इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये पॉइंट आपको पढ़ना ही नहीं है, आपके मतलब के नहीं है। आप बस इतना याद रखो कर्नाटका ने तो आपने क्लास पांच तक ऑनलाइन स्टडी को बैन कर दिया है, ये हमने आपको यहां पर दिखाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, स्टेट में न्यूज नंबर फोर की बात करते हैं। तो आपको बताया गाइस कि मतलब इस कोविड 19 की वजह से बहुत सारे सेक्टर में रिसेशन आया, और इस रिसेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है या तो लेबर क्लास को या तो आईटी प्रोफेशनल्स को। तो इन आईटी प्रोफेशनल्स को जॉब दिलाने के लिए वेस्ट बंगाल ने कर्मोभूमि नाम का जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी न्यूज, ठीक। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ जॉब पोर्टल फॉर आईटी प्रोफेशनल्स हु हैव रिटर्न टू द स्टेट एमिड द कोविड 19 पैंडेमिक। तो ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स जो कि दूसरे देशों या दूसरे राज्यों से वापस वेस्ट बंगाल में आए हैं, जिनकी जॉब चली गई है, तो उनको जॉब प्रॉपर दिलाने के लिए कर्मभूमि नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, जहां पर ये प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड होकर अलग अलग कंपनीज को अपने रिज्यूम भेज सकते हैं। तो ये भी हमने इंफॉर्मेशन आपको दे दी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हुए आपको अवार्ड एंड विनर पे लेके चलते हैं। तो इंडियन म्यूजिशियन शोभा शेखर रिसीव द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को ऑस्ट्रेलिया के मेडल ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अवार्ड है अगर हम बात करते हैं सिटीजन लेवल पे। तो चलिए आइए पूरी न्यूज देखिए यहाँ पे। तो इंडियन म्यूजिशियन शोभा शेखर जो कि फाउंडर हैं, फाउंडर किसकी हैं, फाउंडर हैं कलाकृति अ म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन इन ऑस्ट्रेलिया, इनको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ द क्वींस बर्थडे 2020। शोभा शेखर, ठीक। तो इन्होंने, ये ऑस्ट्रेलिया में बसी हुई हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है कलाकृति, ये फाउंडर है उसकी। तो इनको मतलब कि म्यूजिक के क्षेत्र में काफी योगदान देने के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक्स्ट्रा हाईलाइट में, और एक्स्ट्रा हाईलाइट में हम बात करेंगे संजीता चानू की, जिनके ऊपर डोप टेस्ट था। तो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने संगीता चानू पर लगे जो बैन थे, जो वो मतलब इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था उसको वापस ले लिया है। तो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने संजीता चानू पर डोपिंग जो उल्लंघन था उसको हटा लिया है। पूरी न्यूज देखिए यहां पे। द इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन हैज क्लियर्ड इंडिया के संजीता चानू ऑफ एंटी डोपिंग वायोलेशन चार्जेस, ठीक है। तो इनके ऊपर से एंटी डोपिंग वायोलेशन चार्जेस हटा लिए गए हैं। बात कब की है, बात है 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जिसमें एंटी डोपिंग एजेंसी ने इनका डोप टेस्ट किया था और ये टेस्ट पॉजिटिव पाई गई थी टेस्टोस्टेरोन की, ये पॉइंट थी। तो इन पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन चानू जी ने हार नहीं मानी, इन्होंने इस पर क्लेम किया और अंत में इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन को इन पे लगा बैन हटाना पड़ा। आपको पता है चानू जी मतलब इनका नाम जो है संजानू, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो ये बड़ी एथलीट हैं, छोटी मोटी एथलीट नहीं है, इसलिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। सारे बिश्नोई जी आप थोड़ा वेट करें, इसके बाद आपको सारे जो आप पूछ रहे हो ना IWF का हेडक्वार्टर वो तो आपको पहले पता होना चाहिए, नहीं पता है तो वेट करिए, हम लास्ट में दिखाएंगे आपको। कर्नाटका टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड अंडर जल जीवन मिशन बाई 2022-23। तो कर्नाटका अपने स्टेट के नागरिकों को सभी को नल युक्त पानी कनेक्शन देगा 2022-23, ये इनका टारगेट ईयर है। यानी इस साल केंद्र सरकार ने कर्नाटका को इसके लिए कुछ अमाउंट दिया होगा, वो अमाउंट क्या है वो देखिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रुपीज 1189.40 करोड़ रुपीज दिए हैं फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन इन द कर्नाटका, मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने कर्नाटका गवर्नमेंट को 1189.40 करोड़ रुपीज दिए हैं, और कर्नाटका का अपना टारगेट क्या है 2022-23 तक सबको ये वाटर कनेक्शन देना। तो एक पॉइंट हमारे सामने ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करेंगे एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज नंबर थ्री की। HCL कंपनी का नाम आपने सुना होगा, तो HCL कंपनी ने पेगा पार्टनर राइजिंग स्टार अवार्ड जीता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, HCL पेगा पार्टनर राइजिंग स्टार अवार्ड। देखिए तो HCL टेक्नोलॉजी
जो कि एक लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसको 2020 का राइजिंग स्टार अवार्ड फ्रॉम पेगा सिस्टम इनकॉर्पोरेशन से अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम 2020 राइजिंग स्टार अवार्ड, राइजिंग अवार्ड स्टार अवार्ड किसने दिया है, तो ये पेगा सिस्टम इनकॉर्पोरेशन ने दिया है। बस इतना आपको लर्न करना है, एससीएल को ये अवार्ड मिला है, एससीएल को ये अवार्ड मिला है, किसने दिया है, ये पूरी न्यूज हमने आपको यहां पर दिखा दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए गाइस आपको ले चलते हैं न्यूज नंबर 4 पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी का पुनर्गठन किया है। ये नई कमेटी जो है ये फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर के लिए काम करेगी। और इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, तो इस कमेटी के चेयरपर्सन हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी जी रहेंगे। आइए पूरी न्यूज आपको दिखाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी को पुनर्गठित किया है। ये कमेटी वेलफेयर ऑफ द फ्रीडम फाइटर के लिए काम करेगी। इस कमेटी को लीड करेंगे जी किशन रेड्डी जी, जो कि हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं। और इस कमेटी में इनके साथ 9 एमिनेंट फ्रीडम फाइटर भी रहेंगे, मतलब इस कमेटी में टोटल 10 लोग हैं, एक किशन रेड्डी जी और 9 फ्रीडम फाइटर लोग हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम चलेंगे अपने एमसीक्यूज पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको मेरे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, According to Bloomberg Billionaire Index, who has emerged as the richest person in the world with a total net worth of 150 billion? तो ये भी आपको बताया गया, इस पढ़ाया गया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा Jeff Bezos, option number B. Jeff Bezos, option number B is right answer. Next question. According to Bloomberg Billionaire Index, what is the rank of Mukesh Ambani? मुकेश अंबानी की नेटवर्थ कितनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, और इनकी रैंक कितनी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। रैंक की बात कर लें तो रैंक है 12, रैंक है 12। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो आपको ये कमेंट करना है, कितना आप याद किए हो वो आपको कमेंट करना है। ठीक, लो क्वेश्चन भी है इस पर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन का आंसर देना ही है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी की रैंक 12वीं थी। टोटल नेटवर्थ ऑफ अंबानी इज कितनी ये आपको बतानी है। यहां पर 5 ऑप्शन आपके सामने, और आंसर की बात करें आंसर इज 57.2 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी। 57.2 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Next point. According to the Bloomberg Billionaire Index, how many Indian got a place in the top 100? कितने भारतीयों को top 100 में जगह मिली है ये आपसे पूछा गया। कितने भारतीयों को? Answer is 3. तो 3 भारतीयों को इसमें top 100 में जगह मिली है, और ये आपके लिए होमवर्क है कि दो लोग कौन थे। ये कल मैं आपसे पूछूंगा कि दो लोग और कौन है, ये आपके लिए होमवर्क है, कल मैं ये आपसे पूछूंगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, Who is the second richest Indian after Mukesh Ambani? तो मुकेश अंबानी के बाद दूसरे रिचेस्ट पर्सन कौन है ये आपसे पूछा गया है। वी हैव 5 ऑप्शंस, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अजीम प्रेम जी, विप्रो के फाउंडर एंड चेयरपर्सन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर? तो आपको दूसरा तो मालूम चल गया, तीसरा आपको फिर बताना है मुझे। ठीक, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्लूमबर्ग लोकेटेड? ब्लूमबर्ग का मतलब हेडक्वार्टर कहां पे है, तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर न्यूयॉर्क यूएसए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे, द नंबर ऑफ एशियाटिक लायन इन द गिर फॉरेस्ट रीजन हैज इंक्रीज बाय। तो गिर नेशनल पार्क में जो एशियाटिक लायन है, कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी है उनकी, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर आपको पता है, आंसर इज 29%, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, India has recorded a 29% increase in the population of the Asiatic lion. The count of Asiatic lion has increased from 523 in 2015 to how much in 2020? मतलब कि 523 से कितनी आबादी बढ़ गई है ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 674, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Which of the following national park located in Gujarat? गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है? तो आपको शायद मेरी ट्रिक याद होगी, याद है गुजरात की ब्लैक बक घर के मर गई, कुछ याद है कुछ? चलो कोई बात नहीं, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो गिर भी यहां पर है, ब्लैक बक भी यहां पे है, मरीन भी यहां पर है, वंसदा भी यहां पे है ना। चलो तो याद करो, गुजरात की ब्लैक बक गिर मतलब कि वन में गिर कर मर गई, तो वंसदा मर गई, मरीन सब मैंने पढ़ाया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज रैंक ऑन द टॉप इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया लेवल पे टॉप किया है आईआईटी बॉम्बे ने, और ग्लोबल लेवल की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे आईआईटी बॉम्बे की रैंक क्या होगी ये भी आपको लर्न करनी थी।
टॉप 200 में हमारे तीन यूनिवर्सिटीज ने रैंकिंग मतलब आ पाए केवल, ये भी आपको पता है, और टॉप 500 में केवल 8 लोग आ पाए। ठीक, नेक्स्ट। तो आपसे वही पूछा कि टॉप 500 में कितने भारतीय यूनिवर्सिटी कामयाब रहे जगह बनाने में, इसका भी आंसर आपको देना है, इसका भी आंसर आपको देना है। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 8 है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 8 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द रैंक ऑफ द आईआईटी बॉम्बे इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? भाई ग्लोबल इंडिया लेवल पे टॉप किए हैं, ग्लोबल लेवल में रैंकिंग कितनी है? तो ग्लोबल लेवल पे इनकी रैंकिंग है 172, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 172 इज राइट आंसर। हु हैज टॉप इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, किसने टॉप किया है ये आपसे पूछा गया, किसने टॉप किया है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमआईटी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन टॉप इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लिस्ट? वी हैव 5 ऑप्शन, इसका आंसर आपको सही देना है। और आंसर की बात कर ले, आंसर इज आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Who released the National Institutional Ranking Framework? किसने रिलीज किया है, किस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है? तो गाइस सबको पता है ये MHRD का अपना रैंकिंग है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द NIRF रैंकिंग सिस्टम फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द कंट्री वॉज लॉन्च इन विच ईयर? तो किस ईयर में इसे लॉन्च किया गया था ये आपसे पूछा गया। ईयर की बात करें गाइस तो ईयर क्या है? 2015, ऑप्शन नंबर बी, बट फर्स्ट रैंकिंग इन 2016। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, विच रेटिंग एजेंसी हैज केप्ट इंडिया सॉवरेन रेटिंग एट BBB- अलॉन्ग विद द स्टेबल आउटलुक? ये किसने किया है? तो ये भी हमने पढ़ा ही है, ये किसने किया है? ये स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने किया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज GDP इज लाइकली टू ग्रो इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर? मतलब कि 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट जो होगी वो कितनी होगी? वो कितनी होगी? 9.5% होगी, और इस साल -5%। ठीक है, 9.5%, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और अगर इस साल की बात करें, सेम ईयर की बात करें, तो -5%, ये भी आपको पता ही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च अ कैंपेन टू बॉयकॉट चाइनीज गुड? तो चाइनीज गुड को बॉयकॉट करने के लिए कैंपेन किसने लॉन्च किया है ये आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चाइनीज गुड्स को बैन करने के लिए जो कैंपेन चलाया है उस कैंपेन का नाम क्या है? उस कैंपेन का नाम क्या है? उस कैंपेन का नाम क्या है? तो उस कैंपेन का नाम है इंडियन गुड्स आवर प्राइड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इन्होंने जो इंडियन गुड्स आवर प्राइड नाम का कैंपेन चलाया है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि दिसंबर 2021 तक हम चाइना से केवल इतने अमाउंट का ही इंपोर्ट करेंगे। और वो अमाउंट कितना है? वो अमाउंट कितना है? वो अमाउंट 1 लाख करोड़ रुपीज का है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द CAIT लोकेटेड? हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Who is the present chairman of the CAIT? CAIT के present chairman कौन है? CAIT के present chairman कौन है? तो present chairman है Mr. Mahendra Shah, option number B. Mahendra Shah, option number B is right answer. Who has delivered ICGS Kanaklata Barua, the fifth and last boat in the series of the fast patrol vessel for the Indian Coast Guard? इसका answer क्या होगा? इसका answer क्या होगा? Answer is Garden Ridge Shipbuilders and Engineers, option number D is right answer. Where is the headquarter of the GRSE? तो मैंने जब मैंने आपको न्यूज पढ़ाई थी मैंने बोला था कोलकाता है ना, कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंसेस दैट इट विल कंस्ट्रक्ट हाउ मेनी वाटर रिचार्ज बोर्ड्स इन द स्टेट? कितना? तो ये भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज 1000, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Let's move to question number 28. The Haryana government announced that it will construct 1000 water recharge bore in the state. These bore will be constructed under which scheme? And the answer is Atal Bhujal Yojana, option number C is right answer. The Haryana government announced that it will construct 1000 water recharge bores in the state. What percentage of the cost borne by the farmer side? Farmer ke side se kitna cost bear kiya jayega? Answer is 10%, option number B is right answer. On the occasion of World Environment Day, the Maharashtra cabinet chaired by its chief minister Uddhav Thackeray has approved a proposal to rename the state environment ministry as. So state environment ministry ka naam kya kar diya gaya hai ye aapse pucha gaya. To iska naam kya hai to aapko pata hai, environment and the climate change ministry, option number A is right answer.
नेक्स्ट वन, हु इज द प्रेजेंट एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के प्रेजेंट एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर है आदित्य ठाकरे जी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ये उद्धव ठाकरे के लड़के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विच फोक डांस इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र, सबसे इंपॉर्टेंट लावनी है, लावनी तो यहां का है ही है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ऑल ऑफ द एबव का मतलब हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये सब आप याद कर लीजिए, ये सब महाराष्ट्र के फोक डांसेस हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट लावनी है। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन क्लासेस फॉर द स्टूडेंट अप टू फिफ्थ स्टैंडर्ड इन द स्टेट, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ कर्नाटक, हम लोग पढ़े हुए इनका नाम, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है, इनका नाम है जी एस सुरेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Which state government launched a job portal Karmabhoomi for helping employee find the discovered new jobs? तो आपको पता है ये किसकी बात हो रही है, ये किस स्टेट की बात हो रही है, ये बात हो रही है वेस्ट बंगाल की, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्च अ जॉब पोर्टल कर्मभूमि, दिस पोर्टल इज स्पेशली डेडिकेटेड टू विच पर्सन, किसको ये स्पेशली डेडिकेट किया गया, इसका आंसर क्या होगा? एंड द आंसर इज IT employees, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच इंडियन म्यूजिशियन रिसीव द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड द आंसर इज शोभा शेखर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज एन ऑर्डर ऑफ शिवलरी एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस डे बाय एलिजाबेथ सेकेंड क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो क्या इसका आंसर होगा? आंसर इज 14 फरवरी 1975। तो 14 फरवरी 1975 में ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था, ये अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, विच इंडियन एथलीट हैज बीन एक्विटेड बाय द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑन चार्जेस ऑफ एंटी डोपिंग वायोलेशन, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा के संजीता चानू, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन लोकेटेड, तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर इज बुडापेस्ट हंगरी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, कौन है भाई अभी? एंड द आंसर इज तमास अजान, ऑप्शन नंबर बी, इनका नया अपॉइंटमेंट है तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव अ सम ऑफ दिस अमाउंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन इन कर्नाटक, क्या इसका आंसर हुआ देख लीजिए। एंड द आंसर इज 1189.40 करोड़, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटक हैज प्लान टू हैव 100% फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन बाई विच ईयर, बाई विच ईयर? एंड द आंसर इज 2022-23, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। व्हाट इज द टोटल बजट ऑफ द जल जीवन मिशन स्कीम, मतलब टोटल बजट क्या है, ये आपसे पूछा गया, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसका टोटल बजट 360,000 करोड़ रुपए का है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव अ सम ऑफ रुपीज दिस अमाउंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन इन छत्तीसगढ़, इन छत्तीसगढ़ का पूछा गया है आपसे। एंड द आंसर इज 445 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। The central government has approved a sum of rupees this amount for the implementation of Jal Jeevan Mission in Assam. Revision आपका हो जा रहा है यहाँ पे, Assam. इसका answer क्या होगा? इसका answer 1407 करोड़, option number A is right answer. Recently the central government approved 175 crore rupees for implementation of Jal Jeevan Mission in which state? Answer is Meghalaya, option number C is right answer. Next point, recently the center has approved 2 to 5 crore rupees for implementation of Jal Jeevan Mission in which state? And the answer is Arunachal Pradesh, option number D is right answer. Recently the center has approved 812 crore rupees for the implementation of Jal Jeevan Mission in which state? 812 crore rupees. And the answer is Odisha, option number B is right answer. Next point, government has approved 572 crore for implementation of the Jal Jeevan Mission for which state? आप लोग बोल रहे थे ना भी मुझसे अलग से टेबल देने के लिए, देखो मुझे पता है आप लोग को क्या चाहिए, विश्वास रखिए। Answer is झारखंड, option number B is right answer. Next point, Jal Jeevan Mission a central government initiative under the Ministry of Jal Shakti. इसका मतलब क्वेश्चन क्या है? Who is the present minister of head of the Ministry of the Jal Shakti? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हु हैज वॉन द पेगा पार्टनर राइजिंग स्टार अवार्ड फॉर ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? इसका आंसर क्या होगा?
आंसर इज SCL, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. SCL टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो SCL टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर नोएडा में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. हु इज द सीईओ ऑफ द SCL टेक्नोलॉजीज, कौन इसके सीईओ है? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी विजय कुमार, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग इज, अब प्लीज कहने से क्या मतलब भाई, तुम टेबल फॉर्म में बोलो, मैंने एमसीक्यूज दे दिया है, इतना भी डिपेंडेंट दूसरे पे मत बनो बेटा, प्लीज मत बोलो, मैंने पूरा दे दिया है पॉइंट एमसीक्यू फॉर्म में. हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी टू लुक इन टू द वेलफेयर ऑफ द फ्रीडम फाइटर. तो ये 10 मेंबर कमेटी है जिसमें 9 फ्रीडम फाइटर हैं और जी किशन रेड्डी जी इसको लीड करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. तो हु हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू लुक इनटू द वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स? प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स एंड द आंसर इज अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, थैंक यू. तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे फिर कल नेक्स्ट सेशन में, और 1000 लाइक का लाइक हमारा देखो सपना ही ना रह जाए. थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए. थैंक यू सो मच गाइस.